दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर फोर्थ, टेंथ मैथ्स चैप्टर फोर पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो फोर्थ में आ जाके हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि चैप्टर का नाम पहले लिख देते हैं। चैप्टर का नाम दिया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इसके बेसिक के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या है। लेकिन इसके बेसिक के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बहुपद के लेक्चर जो था उसी में बता चुका हूँ। और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 भी करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो देखो, जिस चर की उच्चतम घात दो होती है, ठीक, उच्चतम घात दो होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जब हम इसे जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक, तो इसे हम समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे कोई संख्या है, जैसे 2x² + 5x + 1 दिया है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर मैंने इसी को जीरो के बराबर कर दिया तो ये समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का चिन्ह होता है। और समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन इक्वलिटी से बना है, ठीक। तो इस तरह ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी होते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपने जान लिया। तो एक्सरसाइज 4.1 जो है इसी से रिलेटेड है कि वह द्विघात समीकरण कब कहलाएगा। तो देखो, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन है, इसका अगर मानक रूप देखें तो ये कैसे लिखते हैं इसको, तो इसको ax² + by + c = 0 इस रूप में लिखते हैं। और जहाँ पर a नॉन जीरो होता है, अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए a जीरो के बराबर, बाकी जीरो के बराबर हो सकते हैं, abc जहाँ abc वास्तविक संख्याएँ हैं और xy चर राशियाँ हैं, ठीक, और a जीरो के बराबर नहीं दिया है, ठीक। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो मतलब इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 8 क्वेश्चंस में तो कुछ कराऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है। मैंने बता दिया कि इसकी चर की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। अगर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अगर इसकी उच्चतम घात 2 रहेगी, ठीक, चर राशि की, तो ये द्विघात होगा, नहीं होगा, रहेगी तो नहीं होगा। सॉल्व करते हैं, x + 1² लिखेंगे, x² + 2x + 1 = 2x - 3, 2x से 2x कैंसल, x² + 4 = 0। ये द्विघात समीकरण है, ठीक, क्यों है, चर की उच्चतम घात x² के बराबर है। ये इस फॉर्मेट में भी हो जाएगा जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जब हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे, जैसे x² + 0 × y + 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा, इसी फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर समझाया जाता था, लेकिन इसको नहीं लिखना है क्वेश्चन में, इसको आंसर देते समय इसको नहीं लिखना है, केवल इतना करना है और दे देना है कि इसकी उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक। इसी तरह एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, दूसरा सबसे लास्ट में कराता हूँ, ठीक, या फिर लिख दिया तो इसको करा देता हूँ दूसरे को ही, x² - 2x = -2 - 3 - x, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें केवल हमें सॉल्व करना है, इसको जो जैसे दिया है जो सॉल्व जितना कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। 2x = 6 + 2x, तो ये हो जाएगा 4x - 6 - x² = 0। तो जब हम इसको अगर चाहे तो ये भी सही है, ठीक, या फिर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जीरो माइनस आ रहा था तो पहले माइनस देता है तो ऐसा ठीक नहीं लगता है। आप चाहे तो यहीं तक कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। अब ये भी द्विघात समीकरण क्योंकि इसकी चर की उच्चतम घात दो है। अब बाकी इसके बाद क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, छः क्वेश्चन बच रहा है इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। ठीक, देखो दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, मतलब हमें इस रूप में लिखना है इसको। ठीक, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है। तो दिया है पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर एक आयताकार भूखंड है, मतलब जमीन एक आयताकार भाग है। ठीक, इसका क्षेत्रफल है मतलब कि इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई 528 मीटर स्क्वायर है। इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे कि यहाँ पर माना लंबाई, इतना पढ़ते पढ़ते ही हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि माना लंबाई इक्वल्स टू एक्स, चौड़ाई इक्वल्स टू वाई, ये देखते देखते हमारे याद आ जाना चाहिए। और एक्स इंटू वाई हो जाएगा 528। क्यों होगा? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ही होता है। ठीक, तो ये हो गया पहला हमारा समीकरण तैयार। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, मतलब दिया है कि जो क्षेत्र की इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई ये या फिर ये जो दिया है ये इसके दुगुने के बराबर, मतलब ये अगर x होगा तो ये 2x होगा। क्लियर? तो मतलब कि हमने लंबाई को जो क्या माना था, दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो x जो हो जाएगा y के दोगुने से एक अधिक हो जाएगा। और क्या, तैयार समीकरण तैयार, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। और क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि क्या करना है। ठीक, दिया कि क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है x वह चौड़ाई के दोगुने के एक अधिक है, मतलब दोगुना है चौड़ाई और एक के अधिक है। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, देखो यहाँ पर हमने x का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ पर x इंटू वाई दिया है, तो क्या करेंगे हम, y यहाँ पर दिया है ना, तो y के स्थान पर हम इस x का मान रख देंगे। ठीक, तो x का मान रखते हैं। और क्या, यहाँ पर x का मान रखने पर हो जाएगा, यहीं पर रख देता हूँ, x इंटू टू वाई, एक्स का मान रखना है। ठीक, x का मान दिया है तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 y इक्वल्स टू 528। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसके सॉल्व करने वाला जो होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा। इसे हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया, यही हमें सॉल्व करना था। और क्या, बहुत इजी था, हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे गुणनखंड प्रमेय से, विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर, कई तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा और ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि इस चैप्टर केवल इसी के बारे में पढ़ना है हमें कि इसको कितने विधियों से सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। इसमें टोटल चार क्वेश्चन दिया है। अब देखो दूसरा दिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो क्रमागत पूर्णांक क्या हो सकते हैं? दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। मतलब दो क्रमागत, पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो पहला पूर्णांक हो जाएगा, ये हमने माना है, यहाँ पर माना लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x, और दूसरा जो होगा वो x प्लस वन ही होगा। क्यों होगा x प्लस वन? देखो x प्लस वन इसलिए होगा क्योंकि अगर यहाँ पर पहला संख्या एक होगा तो दूसरा संख्या वन प्लस वन करेंगे तभी तो टू होगा, नहीं तो अगर केवल इसी को
एक्स मान लेता, इसको भी एक्स मान लेता तो एक ही आता, इसलिए मैंने एक्स प्लस वन मांगा, क्योंकि दो क्रमागत दिया है, क्रमागत क्रम आगत मतलब दूसरा आने वाला पद, ठीक। इसलिए दिया है घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू इस तरह करेंगे तो ये 306 के बराबर है, तो हमें इन दोनों को ज्ञात करना है। तो ये हो गया, और क्या, 306 आंसर आ गया, और क्या, इतना ईजी था, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन भी दिया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को आर मान लेते हैं, जिससे नाम रहेगा तो अच्छे से समझ आएगा एक्स वाई क्या मानेंगे, रोहन इक्वल्स टू आर, ठीक। और रोहन की माँ, रोहन की माँ इक्वल्स टू यम, क्योंकि मदर होता है इंग्लिश में, ठीक, तो इसलिए हम आर यम मान लें। अब दिया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष में, तो मतलब इसकी जो रोहन की माँ है ना यम, वह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब देखो ये जाहिर सी बात है कि रोहन की माँ जो होंगी वह रोहन से बड़ी ही होंगी, अब इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, रोहन की माँ है तो रोहन से बड़ी ही होंगी, ठीक, इसलिए 26 वर्ष बड़ी रोहन की माँ ही होंगी, ठीक। तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमें आगे हो जाएगा, ठीक, ये हमारा पहला समीकरण। इसके बाद दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, मतलब अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ज्ञात कर लेते हैं, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद आर प्लस 3 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, साफ दिखाई दे रहा होगा। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु एम प्लस 3 दिया है कि इनका आयु का गुणनफल, ठीक, अब से 360 हो जाए, मतलब इनके जब गुणनफल करेंगे हम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आर प्लस 3 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू दिया है कितने के बराबर, 360 के बराबर दिया है, हो गया, तैयार हो गया। अब क्या, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, अब समीकरण एम का मान यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस 3 आर प्लस 26 प्लस 3 इक्वल्स टू 360, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आर प्लस 3 आर प्लस 29 इक्वल्स टू 360, इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये तो आपको पता ही होगा कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। तो या फिर मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ यहाँ पर, या फिर आप कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन बचता है, इसको भी देख लेते हैं। यह कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब जो इसकी दूरी होती है इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार मिटा देता हूँ, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दिया है कि एक रेलगाड़ी, ठीक, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी टोटल दिया है 480 किलोमीटर, टोटल जो भी दिया होता है उसको क्वेश्चन पहले जो भी दिया होता है उसको पहले नोट कर लेते हैं और खुद से ट्राई करते हैं। समान चाल से तय करती है, ठीक, मतलब ये समान चाल से चलती है, दूरी भी दिया है और चाल भी दिया है, और चाल मान लेते हैं एक्स है, यहाँ पर माना चाल इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक,
दूरी बटा चाल होगा, तो दूरी दिया है 480 बटे एक्स, ये हमारा पहला समीकरण होगा। समान चाल से जब चलती है तब, अब आगे पढ़ते हैं। तो समय के लिए हमने निकाला था, अब यह है कि इसकी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक, मतलब कि 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है। ठीक, मतलब जितनी इसकी चाल है, ठीक, उसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब 480 एक्स माइनस 3 कम होती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब प्लस 3 हो जाएगा। और क्या, यहाँ पर 1 घंटे समय ले रही थी, 1 घंटा का हमने निकाला था, यहाँ पर हमने 3 घंटा का निकाल दिया तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक, तो हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तिर्यक गुणा करके, इस तरह इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। इसको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर देखो, सही से यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही होगा। उसके बाद इन दोनों को लिख देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक है। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, आज के जो भी लेक्चर में मैंने बताया तो आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल देखेंगे, कितने विधि से हम हल कर सकते, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको कैसे हल कर सकते। मतलब यहाँ पर मैंने अगर समीकरण ये बनाया है, यहाँ पर ये समीकरण अगर है, ये समीकरण है, ये भी समीकरण है, तो हम गुणनखंड विधि से कैसे इस सबको हल कर सकते हैं, ये सब कैसे हल कर सकते हैं, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।